क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो मॉडल पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। आप ठीक है, आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, ठीक है, सभी हिंदी मीडियम बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट वन में 15 क्वेश्चन कर रहे थे, अब 16वां आप सोल्व पा रहे हैं। लेमडा के किस मान के लिए ये जो फलन दे रखा है द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर जीरो पर सतत है, ठीक है, एक्स बराबर जीरो पर सतत है। ओके, 16वां क्वेश्चन है। देखो फंक्शन हमें क्या दे रखा है बच्चों, तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन। हमें क्या दिया है बेटा, एफ एक्स, एफ एक्स मुझे दे रखा है लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस टू। ये तब लेना है यदि एक्स का मान जीरो या जीरो से कम हो, और फोर एक्स प्लस वन लेना है यदि ये चीज हो, एक्स का मान जब जीरो से बड़े लोगे तब ये चीज होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी आ तक तो नहीं है। अब देखो बेटा, अब क्या है ना, चूंकि यह एक्स बराबर जीरो पर सतत है, ये बोला गया है। अगर एक्स बराबर जीरो पर यह सतत है तो क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जीरो पर, क्योंकि जीरो पे बोलना है तो जीरो पे क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, हम सभी जानते हैं। ओके, अब हम निकालते हैं, देखते हैं आरएचएल, ठीक है, आरएचएल निकालेंगे जीरो से बड़ा लिमिट क्या होता है। देखो जीरो से बड़े के लिए फंक्शन लेना है, जीरो पे तो चेक करना लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, अगर जीरो से बड़ा फंक्शन लोगे तो ये लोगे फलन एफ एक्स। फंक्शन एक्स हमारा ये रखा जाएगा फोर एक्स प्लस वन, ठीक है, एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो फोर इंटू जीरो प्लस वन फोर, इक्वेशन नंबर वन। ठीक, अब ये तो मिल गया, हमें क्या निकालना, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें क्या निकालना है बच्चों, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अब देखो बेटा, ये फलन कब आएगा, जीरो पे भी आएगा, जीरो से कम के लिए भी आएगा। अब जीरो पे भी चेक कर लेते हैं, अब फंक्शन जीरो है ना, तो वो तो डायरेक्ट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो फंक्शन एक्स, जब जीरो पे चेक करेंगे तो मुझे ये लेना है क्योंकि बराबर का चिन्ह यहाँ दिख रहा है। फंक्शन जीरो के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस के टू, एक्स की जगह पर जीरो रखेंगे तो यह आ जाएगा माइनस के टू, तो माइनस टू लैम्डा। देखो ये जो फंक्शन जीरो है आर एच एल वो बराबर है, एल एच एल भी बराबर है, एल एच एल निकालने की अभी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी दो से काम चल जाएगा। तो इसे कुछ समीकरण मान लो, समीकरण नंबर ए मान लो, ठीक है, समीकरण ए से यहाँ लिख देंगे, अतः समीकरण ए से क्या हो जाएगा बेटा, आर एच एल, आर एच एल हमको और फंक्शन जीरो हमें मिला है माइनस के टू लैम्डा, और आर एच एल मुझे मिला है वन, ठीक है, तो लैम्डा माइनस के टू इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो गया डिवाइड में, ठीक है ना, तो ये आ गया लैम्डा का मान। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें अथवा करके भी है, अथवा करके भी है, कह रहे हैं एक्स के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए वाई बराबर एक्स एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है, और ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है, हर पेपर में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, वर्धमान फलन के लिए पूछ रहे हैं, अथवा वाला पार्ट है। इसे हल करते हैं, हमें क्या दे रखा है बेटा, वाई माना फलन को मैं फलन वाई दे रखा है, माना वाई बराबर दे रखा है एक्स एक्स माइनस टू टोटल का होल स्क्वायर, एक्स अंदर गुणा कर दूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स का होल स्क्वायर, ये मुझे फलन दे रखा है भाई। तो अब हमें क्या करना होता है, एक बार अपक्लस करना होता है डी वाई बटा डी एक्स, तो पहले पावर सॉल्व होगी, एक घात कम हो जाती है, और फिर अंदर में जो भी होता है उसका अपक्लस कर देते हैं, एक्स स्क्वायर का अपक्लस टू एक्स यहाँ से टू, ठीक है, दो मनिष ले लो, दो यहाँ से उपनिष्ठ आ जाएगा, दो दिन चार हो जाएगा, और यहाँ से x भी यहाँ से आ जाएगा x माइनस टू, और यहाँ से तुम x कॉमन निकालो तो यहाँ से आ जाएगा
एक्स माइनस टू, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ओके। ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से देखा जाए तो एक्स माइनस टू दो बार आ रहा है, लेकिन जो पॉइंट्स आप निकालोगे ना, यहाँ से पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे अभी हमें। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं वर्धमान फलन के वर्धमान व ह्रासमान, है ना, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं हम यहाँ से ह्रासमान के लिए। जो भी आपका एफ डैश एक्स आया है, एफ डैश एक्स एक बार जो आपने अवकलज किया है ना, उसे जीरो के बराबर रखते हैं, इसे एफ डैश एक्स बोला जाता है, ठीक है। तो इसे जीरो के बराबर रखेंगे, फोर एक्स एक्स माइनस टू, हमने सब कैलकुलेशन सही किया है ना। ओ भाई साहब, देखा देखा यहाँ गड़बड़ गई है हमसे, टू यहाँ से कॉमन निकाल लाएंगे तो यहाँ एक्स बचेगा, दो एक कम दो बचेगा ना। देखो अभी नज़र हटी, दुर्घटना घटी, एक चीज़ आप पे भारी पड़ जाएगी बेटा, ठीक है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। अब इसका मान तो जीरो नहीं है, इसको जीरो लोगे, तीन क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे ना, एक्स का मान आपको जीरो मिलेगा, यहाँ से दो मिलेगा और यहाँ से वन मिलेगा, तो तीन पॉइंट्स आपको मिल गए, ठीक है। अब इन तीन पॉइंट्स को हम क्या खींचेंगे, नंबर लाइन पे खींच लो, ये नंबर लाइन है, एक्स का मान यहाँ जीरो, यहाँ वन और यहाँ टू, इधर प्लस का इन्फिनिटी, इधर माइनस का इन्फिनिटी, है ना। तो इंटरवल क्या मिल गया आपको, इंटरवल क्या मिले आप चेक करके देख लो, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, जीरो टू वन, ऊपर इंटरवल ले लेते हैं सब, वन से टू और टू से इन्फिनिटी, ठीक है। अब चेक करना है कि किस पर वर्धमान आएगा, अब वर्धमान के लिए आपसे पूछा है, ठीक है। तो वर्धमान वही होगा जो पॉजिटिव देगा, एफ डैश एक्स जिस जो जीरो या जीरो से बढ़ा देता है वही वर्धमान फलन होता है, बाकी किसी पर नहीं होगा, ठीक है। चेक करते हैं, अब यहाँ मैं चेक करता हूँ एक एक करके लिए, चूँकि देखो माइनस इन्फिनिटी कॉमा जीरो पर, टिप्स एंड ट्रिक्स पता है तुम्हें, हाँ चलो ये नहीं, एक साथ ही कर लेते हैं ना, वो फिर दिक्कत हो जाएगा, एक टेबल बनाते हैं ऐसा, याद आ रहा है कुछ, यहाँ पर हमारा फलन होता है, यहाँ पर बिंदु होगा, यहाँ पर चिन्ह होगा, ठीक है, यहाँ पर जो एफ डैश एक्स आपका है ना वो देखा जाएगा और यहाँ पर उसका चिन्ह देखा जाएगा और फिर पता चलेगा, और यहाँ पर आपका पॉइंट होगा, मतलब पॉइंट नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं, अंतराल, यहाँ अंतराल आएगा, यहाँ अंतराल लिखना, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं माइनस इन्फिनिटी कॉमा जीरो पर, माइनस इन्फिनिटी कॉमा जीरो पर एफ डैश एक्स बोले तो यहाँ हमें रखना है हर बार मान। अब ना तो तुम इन्फिनिटी रख सकते हो ना जीरो रख सकते हो, तुम इसके बीच में कोई भी मान रख सकते हो, बड़े से बड़ा मान सोच लो, जैसे कि माइनस के दस, जो मान आए हैं ना उनसे बड़ा ही सोचना है, माइनस के दस सोचो, ये तो प्लस है, प्लस चिन्ह है, देखो मैं बेटा एक एक स्टेप लगा दूँ, प्लस चिन्ह है, ठीक है, और माइनस के दस माइनस के दो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस के दस माइनस हो जाएगा, और माइनस दस माइनस एक माइनस, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आ गया नेगेटिव। नेगेटिव चिन्ह में क्या होता है, ह्रासमान, क्या होता है बच्चों, ह्रासमान, जीरो आएगा, जीरो तो होता ही नहीं है, जीरो पे हम बता नहीं सकते, फेल हो जाता है ना। अब जीरो कमा वन पे चेक करो, जीरो कमा वन पर ना तो जीरो रख सकते हैं ना ही वन रख सकते हैं, अब इस पर चेक करना है, जीरो कमा वन पे बीच में वन बाय टू रख लो, इसके बीच में एक वन, ये प्लस है, वन बाय टू, एक में से ये नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव फिर से आ जाएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव 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 इंटू पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस वाले पॉइंट पे क्या आ जाएगा, वर्धमान आ जाएगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे क्या आ जाएगा, वर्धमान, जिस पे वर्धमान आएगा वो लिख दिया। उसके साथ साथ अब चेक करो वन कॉमा टू पर, ठीक है, वन कॉमा टू के बीच में कोई भी ले लो, जैसे 1.5 ले लो एक्स की वैल्यू, है ना, एग्जैक्टली टू मत ले लेना, 1.5 ले लो, ये तो प्लस है, 1.5 में से 2 माइनस करोगे नेगेटिव आ जाएगा, ये 1.5 नहीं है पॉजिटिव है, 1.5 में से ये पॉजिटिव है,
पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका हरासमान आएगा इस पे। ठीक है, इसके बाद टू कॉमा इन्फिनिटी पे आ जाओ, जैसे कि 10 ले लो पॉजिटिव के 10। सो देखो बच्चों, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये तो टोटल पॉजिटिव आ जाएगा, इसमें आ जाएगा वर्तमान। ठीक है, सो इस इंटरवल पर और इस इंटरवल पर फलन का मान क्या होगा? वर्तमान होगा, बाकी किसी पे नहीं होगा, यही आपसे पूछा था। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आजकल क्या हो रहा है बेटा, दीपावली आने वाली है, दिन भर माइक के अनाउंसमेंट बजते रहते हैं, ये उपहार वो उपहार। ठीक है, परेशान हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, समाकलन करना है। दोनों ही आसान है, पहला वाला आसान है, दूसरे वाला भी आसान है। एक्स स्क्वायर को टी मान लो और फिर आंशिक भिन्न कर दो, ऊपर नीचे आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, सेकंड वाला। फर्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों? 17 है। इंटीग्रेशन है अंडर रूट के अंदर 1 + 3x - x² और यहाँ पर क्या है बेटा dx। बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर माइनस ऊपर नीचे ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस की 3x और ये माइनस की 1 हो जाएगा। इसको परफेक्ट वर्ग बनाते हैं। ठीक है, परफेक्ट बनाने का देखो, यहाँ पर क्या है ना, एक्स स्क्वायर है तो a के स्थान पर x है और ये वाला पद होता है 2ab का, 2ab के स्थान पर 3x है। a का मान रखो x, x से x कटा, b का मान आ गया 3/2। अब बी स्क्वायर को इसमें जोड़ना और घटाना होता है, कक्षा 10 से ही पढ़ रखा होगा ये चीज, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 है ना। अब एक बार बी स्क्वायर को जोड़ना है, जोड़ना वाला इधर देखोगे, बी स्क्वायर को जोड़ना है और एक बार घटाना है। ठीक है, इसको साथ में रखेंगे, ये बनाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हल करोगे तो यहाँ से 9/4 - 1। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ए की जगह पर तो एक्स था और बी की जगह पर 3/2, और ये इसको हल करोगे 9 में से 4 घटेगा 5, 5/4। ठीक है, तो इसको प्रॉपर वे में अगर लिखेंगे तो एक्स माइनस 3/2 का वर्ग और ये हो जाएगा अंडर रूट 5/2 का वर्ग। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में बनाना होता है, आपने ये सब पढ़ रखा है। अब इस मान को उठाकर हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, सामने नेगेटिव है तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 5/2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिर्फ 3/2 है। ठीक है, इसका स्क्वायर ये बन गया, कोई दिक्कत कोई परिभाषा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको एक सूत्र पता होगा, ये किस रूप में बना है, ये बना है इस रूप में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका सूत्र होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, ये होता है सूत्र, कोई दिक्कत नहीं है। अब सूत्र में सारे मान रख दो। ठीक है, यही तो सिंपल सा क्वेश्चन में, तो देखो बेटा x के जगह पर है, x के जगह पर है x माइनस के 3/2 और बट्टे में क्या है 2 रखाना है। ठीक है, फिर अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन है वही आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए हमारे पास कितने हैं, अंडर रूट 5 सही किया ना हमने, कहीं गलती तो नहीं हुई हमसे, एक बार चेक कर लेते हैं फिर दोबारा। गड़बड़ तो हो गई है हमसे, क्यों, जैसे ये ब्रैकेट लगाया है ये नेगेटिव का साइन पॉजिटिव हो जाएगा और 9 * 4 = 13 हो जाएगा 5 की जगह पर, है ना, बाकी सब सही है। यहाँ पर 13 हो जाएगा, 13/4, यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ पर 13 होगा, अब सही है। अब देखो अंदर जो है वो मान रख देंगे, अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है अंडर रूट 13/2 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर आपका प्लस ए स्क्वायर, जैसे स्क्वायर करेंगे ये ए स्क्वायर
ठीक है, फिर साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पर क्या है, एक्स माइनस 3/2 अपॉन में है ए, ए हमारे पास है अंडर रूट 13/2, ठीक है, प्लस सी, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दो। थोड़ा और हल कर सकते हो वरना यहीं पे छोड़ सकते हो, यहाँ से आ जाएगा 2x-3, 2×2=4, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर करेंगे तो 13/4 माइनस यहाँ से 2x-3 अपॉन में 2 स्क्वायर, 13/4 ये बट्टे का 2 पर आ जाएगा, साइन इनवर्स 2 से 2 कट जाएगा ना, तो यहाँ से आ जाएगा 2x-3 अंडर रूट 13, इसके बट्टे में तो इसके बट्टे में 2 आएगा, कट जाएगा, प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है आंशिक भिन्न वाला, एक्स स्क्वायर को टी मान लोगे और फिर हमें आंशिक भिन्न करना पड़ेगा, है ना, ऐसा क्वेश्चन आपने पढ़ रखा होगा। 18वें क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्या बोल रहे हैं, इसका मान ज्ञात कीजिए, ये भी इंटीग्रेशन है, 0 से x है, 0 से x नहीं होगा यार, यहाँ पाई होगा, 0 से पाई है, ठीक है, यह मिस प्रिंटिंग है बुक में, चलिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बेटा, हमें इतने साल पढ़ाते पढ़ाते ना क्वेश्चन का भी पूरा रट चुका है कि ये क्वेश्चन ये है, 13 साल से पढ़ा रहा हूँ ना बच्चों, सब पता चल गया है, हर टाइप के क्वेश्चंस कर रखे हैं, सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के भी हमने क्वेश्चन पढ़ाए हैं, ठीक है, तो 18वें क्वेश्चन पे आ जाओ, आई इंटीग्रेशन को हमेशा आई मान के चलो, यहाँ 0 से पाई है, यहाँ है एक्स डी एक्स बट्टे में है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, आपने समीकरण नंबर ए मान लो, एक मान लो इसको, ठीक है, आपको मैंने हमेशा बताया है कि जब भी 0 से ए जाता है लिमिट, आपको हमेशा P4 प्रॉपर्टी का यूज़ करना होता है, वो क्या प्रॉपर्टी है वो मैं लिख दे रहा हूँ, अगर 0 से ए फंक्शन एक्स डी एक्स होता है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 0 से ए फंक्शन ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, और जब भी इसे P4 प्रॉपर्टी करते हैं, जब भी ये प्रॉपर्टी लगाओगे उसके बाद जो सरल होगा, जो दूसरी इक्वेशन आएगी उसको पहले वाले के साथ जोड़ देते हैं, ये नियम चला है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा देखो, तो x के साथ हो जाएगा पाई माइनस एक्स, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया भी है, ठीक है, स्क्वायर है x की जगह पर हो जाएगा पाई माइनस एक्स, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, फिर बी स्क्वायर ये हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया, इसको देखो कैसे लिख सकते हैं हम, पाई माइनस एक्स डी एक्स, तो देखो कॉस पाई माइनस एक्स, माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है, लेकिन ऊपर स्क्वायर तो इसे प्लस बना देगा, और साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स ही होता है, तो ये वैसे ही रहेगा, ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 होगी, ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 1 है, इन दोनों को अब क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2, समीकरण 1-2 को जोड़ने पर इधर भी आई था आई क्या, इधर तो हो जाएगा 2y और इस तरफ लिमिट दोनों की सेम है 0 से पाई, यहाँ पे आपका आ जाएगा पाई माइनस एक्स और दूसरा था आपका सिर्फ पाई, दोनों के नीचे बट्टे में सेम है ना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इधर आपका डी एक्स, तो ये चीज़ है, एक सेकेंड, ठीक है, एक पाई माइनस एक्स से एक सिर्फ एक्स है, सिंपल एक्स, तो प्लस का एक्स माइनस का एक्स कटो, ठीक है, तो सिर्फ पाई बचा, तो पाई बाहर ले लो, यहाँ से आ गया 0 से पाई, अंदर कुछ नहीं बचा, यहाँ से पाई बाहर निकालो, ऊपर डी एक्स, नीचे क्या है बच्चों, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी किसी को भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा ना, अब इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स है यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स है, इसको थोड़ा और सरल किया जा सकता है,
देखो यहां से क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी का मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक सम फलन है, ठीक है, सम फलन है, प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ। ये टू सामने आ जाएगा, यहाँ पे जो लगता है वो सामने आ जाते हैं, टू पाई, यहाँ से टू आई, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास जीरो से पाई बाई टू, ठीक है, जीरो से पाई बाई टू डी एक्स, ए स्क्वायर कॉश स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक सम फलन है, ठीक है, सम फलन है तभी ये चीज़ हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाता। अब की बार ये चीज़ आ गई, आई बराबर पाई हो जाएगा, सिर्फ पाई बाहर रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए बच्चों क्या करूँगा मैं, यहाँ से तो आई है और यहाँ से पाई बाहर है, मैं क्या करूँगा, इधर से कॉस स्क्वायर, नीचे से ना कॉस स्क्वायर में ओवन स्टेट लूँगा, ठीक है, नीचे से मैं क्या करूँगा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स ओवन स्टेट लूँगा, यार इधर ए स्क्वायर क्यों नहीं, इस पूरे को भी ले सकता हूँ, फिर से यार लिखना पड़ेगा, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ से मैंने बाहर निकाला, यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर, और इसके बट्टे से बाहर नहीं निकाल, इससे इसमें कॉस स्क्वायर है ही नहीं तो इसके बट्टे में आ जाएगा, साइन बट्टा कॉस क्या होता है टेन, तो यहाँ आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा शेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, टेन एक्स का क्लच शेक स्क्वायर एक्स ऊपर मौजूद है कि नहीं, माना टी को मैंने टेन एक्स मान दिया, तो डी टी बट्टे डी एक्स टेन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा शेक स्क्वायर एक्स, तो शेक स्क्वायर डी एक्स की जगह पर मैं डी टी रख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, इधर तो हमारा आई है, इस तरफ हमारा पाई है, इधर है जीरो से पाई बाई टू, शेक स्क्वायर डी एक्स की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा डी टी, ऊपर आ जाएगा डी टी, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, अब लिमिट है तो लिमिट भी तो बदलनी पड़ेगी बच्चों, लिमिट भी बदलनी पड़ेगी, देखो टी बराबर टेन एक्स है ना, तो हाँ जब एक्स बराबर ज़ीरो रखोगे तो टेन ज़ीरो का मान यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा ना, टी बराबर टेन ज़ीरो तो ज़ीरो हो जाएगा, जब एक्स का मान पाई बाई टू रखोगे, टेन पाई बाई टू का मान होता है इन्फिनिटी, ठीक है ना, अपरिभाषित, सो ये हो जाएगा लिमिट पाई बाहर ज़ीरो से इन्फिनिटी, ठीक है, ऊपर है डी टी, यहाँ पे बी स्क्वायर मुझे नहीं चाहिए तो बी स्क्वायर बाहर निकाल दो, बी स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो इसके बट्टे में आ जाएगा और इधर सिर्फ टी स्क्वायर, इसको ढंग से लिख सकता हूँ मैं कैसे, पाई बट्टे बी स्क्वायर इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी डी टी ए बट्टे बी का होल स्क्वायर, और ये सूत्र बन गया है ना, सूत्र बन गया, सूत्र में लगा दो तो पाई बट्टे बी स्क्वायर तो बाहर है, सूत्र क्या बना, वन अपॉन ए होता है, ए ए की जगह पर ए अपॉन बी है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए टी अपॉन ए, ठीक है, सो ये इधर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से एक बी कटेगा, यहाँ से आ जाएगा पाई है बी, और इसको ढंग से लिखेंगे तो यह टेन इनवर्स ऐसे ही रहने दो, टेन इनवर्स अपर लिमिट टी की जगह इन्फिनिटी के बट्टे में कुछ भी हो इन्फिनिटी होते टेन इनवर्स अपर लिमिट ये तो, और टी की जगह पर जीरो रखना, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, टी की जगह जीरो, जीरो के बट्टे कुछ भी हो जीरो, ठीक है, तो ये आ गया पाई ए बी, इस तरफ टेन इनवर्स इन्फिनिटी का मान किस पे होता है, ये पाई बाई टू पे होता है और ये किस एंगल पे होता है, जीरो पे होता है, तो यहाँ से आ गया पाई बाई टू, पाई ए बी और पाई बाई टू,
तो ये हो गया पाई स्क्वायर 2ab। तो इंटीग्रेशन आई का जो मान आया है वो बच्चों पाई स्क्वायर 2ab आया है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन था, ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ये आपका इंटीग्रेशन, चार नंबर मिल गए। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 19वां नंबर। कह रहे ए ये है, ये बी ये है और ये सी है, तो सदिश 2a-b+3c के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। भाई ये 2 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए, इसे 4 नंबर में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं करते हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, ये 19। देखिए हमें क्या दे रखा है, ए वेक्टर हमारे दे रखा है आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर दे रखा है 2i-j+3k, और सी वेक्टर मुझे दे रखा है i+2j+k। ये क्वेश्चन में ये चीज़ हमें दे रखी है। सदिश जो हमें निकालनी है वो है 2a-b+3c, ठीक, ए बी सी सब आपको दे ही रखा है। रखते हैं 2a हमारे पास है i+j+k, बी हमारे पास है 2i-j+3k, और सी हमें दे रखा है i+2j+k, ठीक है ना। इसको हल कर दें, प्लस के 2i-2i कैंसिल। इसको जब हल कर लेंगे तो देखो बेटा हमारे पास क्या मिलेगा, 3i+2j-+3j, 3×6, 6×2, 3×9, 9j प्लस 2k, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके समांतर हमें मात्रक सदिश निकालना है। तो इस सदिश को मैं कुछ नाम देता हूँ, इस सदिश को मैंने नाम दिया कैपिटल सी। अब इसका मुझे मात्रक सदिश निकालना है, सी कैप मॉडुलस सी अपॉन ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो मॉडुलस सी अपॉन निकालना पड़ेगा, पहले निकाल लेते हैं इसको। मैंने इस चीज़ को ना मैंने सी बोला है, ये ध्यान रखिएगा, कैपिटल सी वेक्टर नाम दे, कुछ भी नाम दे सकते हैं वैसे। परिमाण निकालेंगे तो 3 का वर्ग, वर्गमूल के अंदर 3 का वर्ग, 9 का वर्ग, 2 का वर्ग, हल करो 3×3 = 9, 9×9=81, 2×2=4, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे तो 94 आ गया। अतः सी कैप इस यहाँ आ जाएगा, इसका मान 3i+9j+2k बट्टे में 94। इसको हल कर लेते हैं प्रॉपर, 3/√94i, 9/√94j, 2/√94k, ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहे बिंदु इतने 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 से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। 3 बिंदु से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण हमें निकालना है, ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ओके, तो देखो बेटा सबसे पहले तो देखो 3 बिंदु हमें दे रखे हैं, उनसे हम सदिश बनाएंगे, है ना, वेक्टर फॉर्म में। तो देखो क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा बेटा, 20वां, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो बिंदु हमें ए दे रखा है, ए कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 253, ठीक है। इससे में क्या बन, 3 बिंदु है हमारे पास, 3 बिंदु, ठीक है। इनसे अब इनका स्थिति सदिश बनाना है, तो स्थिति सदिश इसको मैं बोल देता हूँ ओ पी। एक ओ इनिशियल बिंदु होता है, उसे फिक्स करेंगे, तो ओ पी इसे बोल देता हूँ। ऐसे ये हो जाएगा वेक्टर हमारा 2i+5j+3k, ठीक है ना। बी हमें क्या दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन में बी दे रखा है -2 -k 3 5, तो यहाँ से ओ पी ओ
इसे ओ क्यू वेक्टर बोल दो, है ना, ओ बी वेक्टर बोलते हैं इसे, नाम तो ऐसे कुछ भी दे सकते हैं। ए है तो इसको ए बोलो, ये बी है तो इसे बी ही बोलेंगे ना। तो देखो बेटा यहाँ से हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी माइनस के 2i माइनस के 3j प्लस के 5k। एंड नेक्स्ट आपका जो सी वेक्टर दे रखा है, वो सी पॉइंट जो दे रखा है वो है 5 3 माइनस 3 5 3 माइनस 3, ठीक है। तो ओ सी वेक्टर हो जाएगा आपका 5i प्लस 3j माइनस के 3k। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सो इस वेक्टर का नाम मैंने बोल दिया ए वेक्टर है, इसको मैंने बोल दिया ये वी वेक्टर है, ये सब माना माना करके लिख देना, अपने से नाम दे रहे हैं हम इसको, है ना। और इसको मैंने सी वेक्टर बोल दिया, ठीक है। अब आपने बढ़ा, ये चैप्टर 11 का क्वेश्चन है, चूंकि तीन बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, ये चीज हमें निकालनी है, तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है आर माइनस ए वेक्टर में, फिर यहाँ लग जाते हैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, और यहाँ लग जाता है सी माइनस ए वेक्टर, ये चीज होती है जीरो के बराबर, ठीक है। ये चीज किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको बस हल कर देना है, हल करने पे जो आएगा ना वो आपका आंसर है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब b माइनस ए और c माइनस ए ऑलरेडी पहले निकाल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि नीचे जगह नहीं बचेगी, तो यहीं पे निकाल लेते हैं, आपको नीचे ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये हमारा b है, ये हमारा a है, तो b माइनस ए, देखो ये b है ये a है, माइनस के 2i में से 2i कटाएंगे तो माइनस के 4i, माइनस का 3j माइनस के 5, माइनस 3 माइनस 5 माइनस के 8j, और 5k में से 3k कटाएंगे तो 2k आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद मुझे क्या निकालना, c माइनस ए, देखो 5 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 3, 3j में से 5j घटाएंगे तो माइनस के 2j, और माइनस 3 में से 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस के 6k हो जाएगा। ये चीज़ हमने निकाल ली, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। दो पाँच माइनस तीन, अरे यार माइनस तीन है, ये माइनस तीन है बेटा, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो गड़बड़ माइनस तीन है तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, 5 माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा फिर, ये तो ऐसे मिस्टेक के हिसाब से किया था वो सही था, और फिर यहाँ से भी गड़बड़ हो जाएगा, फिर देखो माइनस तीन माइनस माइनस ये प्लस तीन, ठीक है ना, तो ये फिर ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट ज़ीरो के, ठीक है, तो और सरल हो गया। अब आर का मान रखते हैं, ये आर वो, ठीक है, ए का मान क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, 2i प्लस 5j माइनस के 3k, यहाँ से डॉट प्रोडक्ट, b माइनस a आया हमारा माइनस के 4i माइनस के 8j प्लस के 8k, डॉट c माइनस a आया है 3i माइनस के 2j 0, इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लूँ, i का i के साथ 3 चक्के 12, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 8 दुनी 16, बाकी ये एज इट इज़ ये वाला तो ऐसे ही आ जाएगा, अरे यार माइनस है ये, ठीक है, तो 16 में से 12 कटाएंगे 4 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आर माइनस के 2i 5j माइनस के 3k, और यहाँ पे सिर्फ 4, ठीक है, इनटू में,
ये जो चीज है हमारी, ये हमारा समतल का समीकरण आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आराम से होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, कह रही यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए का मान ये दे रखा है, पी बी का मान ये दे रखा है, ठीक है, तब ये चीज और ये चीज का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 21 है, देखते हैं बेटा। क्योंकि ये दिया हुआ है तो इसे लिख सकते हैं गिवन करके। पी ए मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 0.35, बी की जो प्रायिकता मुझे दे रखी है वो है 0.45। ठीक है, ए और बी स्वतंत्र घटना है, तो पहली चीज जो हमें निकालनी है वो निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पी देखो आपको दे रखा है कि ए व बी स्वतंत्र घटना है ना, स्वतंत्र घटना है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होते हैं, पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। तो पी ए तो हमें दे रखा है 0.35, पी बी भी हमें दे रखा है 0.45। ठीक है, इन दोनों की गुणा कर देंगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। इसे मैं ले सकता हूँ 35/100, 45/100, नहीं तो गुणा कर दो, गुणा करने पे कितना आएगा मुझे बताओ, वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऊपर ऊपर गुणा करके 0.4 स्थान के बाद लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट हमें निकालना है, सेकंड वाले पार्ट में निकालना है क्या, पी ए यूनियन बी निकालना है। ठीक है, ये चीज़ हमें निकालनी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो पी ए यूनियन बी क्या होता है, वो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। ठीक है, तो पी ए हमें क्या दे रखा है 0.35, पी बी ये हमें दे रखा है 0. अरे यार पी क्यों लिख दिया, 0.45, और इसको गुणा करो कि 35 × 45, सो ये आ जाएगा 0.1575। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 0.80, पीछे तुम जो दो जीरो और बढ़ा सकते हो इनमें से माइनस कर देना है 1575। ठीक है, सो यहाँ से जब घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 6425, 0.6425, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बार 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 पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चन हमारे बच रहे हैं वो 6-6 नंबर के बच रहे हैं, 6-6 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लास्ट पार्ट में। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें आप।